हैं आज की कुछ ताजा खबरें। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। रविवार को इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सशक्त बेटी सशक्त मध्य प्रदेश की नारी को सार्थक करते हुए प्रदेश की बेटियों को स्वतंत्र आसमान में उड़ने को लेकर कहा कि बेटियों की उड़ान हमारा अभिमान। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। रविवार को इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बेटी सशक्त मध्य प्रदेश के नारे को सार्थक करते हुए प्रदेश की बेटियों को स्वतंत्र आसमान में उड़ने को लेकर कहा कि बेटियों की उड़ान हमारा अभिमान। बेटियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख मजबूत करने हैं। बेटियों को भी बेटों के बराबर अवसर प्रदान हो, बेटियाँ सुरक्षित हों, बराबर अवसर प्रदान हो, बेटियों को भी बेटों के बराबर अवसर प्रदान हो, बेटियां सुरक्षित हों, सक्षम हों और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर मजबूत कर पाएं, ऐसे अवसर हम उपलब्ध करवाएंगे। इसी तारतम्य में आज बड़वा नगर की वार्ड क्रमांक आंगनवाड़ी में परियोजना अधिकारी सुरेश शिंदे के नेतृत्व और पर्यवेक्षक श्रीमती कृष्णा शर्मा के मार्गदर्शन में स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती राधा वर्मा एवं पोषण आहार समिति की अध्यक्ष श्रीमती शिखा जिंदल की उपस्थिति में बालिकाओं को आमंत्रित कर दोपहर 12 बजे दूरदर्शन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा प्रसारण दिखाकर उनके द्वारा प्रदेश की बेटियों के सशक्तिकरण प्रयासों के और बालिकाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत करवाया गया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती अर्चना आरस द्वारा उनकी रुचि शिक्षा और समस्याओं के साथ ही बालिकाओं को सरकार की योजनाओं का और अन्य सुविधाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकती हैं आदि की जानकारी दी गई एवं उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को हल्दी कुमकुम कर तिल गुड़ के लड्डू और उपहार भेंट किए गए।